हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महा टीटी और टेट के मैथमेटिक्स क्लास। इसमें हम पूरा बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के की पूरा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इस बैच का नाम है 0 to 0। इसका फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम जितने भी बेसिक कंसेप्ट रहेंगे वो मैथमेटिक्स के पढ़ेंगे। तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाला है हमारे पास रूल ऑफ साइन इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले अगर से दो नंबर है, दो नंबर के बीच में क्या है, पॉजिटिव सिंबल। दो नंबर के बीच में हमारे पास है पॉजिटिव सिंबल। तो सबसे पहला है हमारे पास एक नंबर ले लिया हमने +3, दूसरा नंबर लिए +4। दोनों नंबर की एडिशन करेंगे तो आंसर जो आएगा ना, तो आंसर का सिंबल भी पॉजिटिव रहेगा। तो विच मीन्स आंसर होगा +3 +4 +7, ये हमारा आंसर होगा। अब हम दूसरा पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले इसको इरेज कर देंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम। दूसरे उसके अंदर है दोनों भी नंबर के साथ निगेटिव सिंबल, दोनों भी नंबर के साथ निगेटिव सिंबल। फॉर एग्जांपल ले लिया हमने -3 और दूसरा लिए -4। तो आंसर का जो सिंबल रहेगा ना, वो रहेगा निगेटिव सिंबल। विच मीन्स आंसर में आएगा हमारे पास माइनस सिंबल। और 3 और 4 दोनों के अगर से ऐड करें तो आंसर कितना आता, 7। तो हमारा रियल आंसर होगा -7। अब हम थर्ड पढ़ेंगे। थर्ड के अंदर हमारे पास रहेगा एक के साथ पॉजिटिव सिंबल और दूसरे के साथ निगेटिव सिंबल। हमने के लिए पॉजिटिव सिंबल लिए 5 और दूसरा एक है नंबर उसके साथ लिए निगेटिव सिंबल लिए -7। अब इसका जो साइन रहेगा उसके जो आंसर का साइन रहेगा वो रहेगा साइन ऑफ लार्ज नंबर। तो इसमें सबसे पहले लार्ज नंबर देखो, तो लार्ज नंबर हमारे पास 7 है, तो 7 का जो साइन है वो माइनस आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स में करेंगे, 5 में से 7 का, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 2। तो आंसर हमारे पास -2 आएगा। ये हो गया थर्ड वाली। अब पढ़ेंगे हम फोर्थ वाली कंडीशन। फोर्थ वाली कंडीशन में क्या होता है, एक नंबर के साथ हमने लिए निगेटिव सिंबल हमने लिए 7 और दूसरे नंबर के साथ ले लेते हम पॉजिटिव सिंबल ले लेंगे हम 11। अब इसमें से जो साइन रहेगा आंसर का साइन, वो हमेशा लार्जर नंबर का रहेगा, साइन ऑफ लार्ज नंबर। तो लार्ज नंबर हमारे पास 11 है, तो 11 का जो साइन है वो क्या हमारे पास प्लस। तो हम आंसर में हमारे पास प्लस आएगा। तो 11 में से 7 गए तो कितना बचता आंसर, 11 में से 7 गए तो 4 बचता, तो हमारा रियल आंसर होगा 4। अब हम आगे पढ़ेंगे रूल ऑफ साइन इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीज़न। यानी मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न में हमारे कौन कौन से साइन लगते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ लाइक टर्म का देखेंगे हम। तो लाइक टर्म में क्या होता है, दोनों भी नंबर हो पॉजिटिव या फिर दोनों भी नंबर हो निगेटिव। जब दोनों भी नंबर हो पॉजिटिव या फिर दोनों भी नंबर निगेटिव, तो इसका जो आंसर आता है वो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो नंबर है +2 का, मल्टीप्लीकेशन हमने किए +2 के साथ, तो आंसर हमेशा हमारे को पॉजिटिव मिलेगा। जब दोनों भी लाइक टर्म रहा ना, तो हमारे पास ऑलवेज आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। जब दोनों भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कितना मिलेगा, 2 × 2 होता है 4, तो +4। तो 4 के साथ पॉजिटिव साइन ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते, उसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। अब रहेगा दूसरा देखेंगे, अनलाइक टर्म में क्या होता है, अनलाइक टर्म में होगा एक पॉजिटिव सिंबल रहेगा और एक निगेटिव सिंबल रहेगा, एक के साथ पॉजिटिव या फिर एक के साथ निगेटिव या फिर एक निगेटिव एक पॉजिटिव रहेगा। तो इसका जो अनलाइक टर्म का जो अनलाइक सिंबल जो रहते हैं ना, तो उसका जो आंसर रहता है ना, निगेटिव आंसर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने -2 × +3, तो आंसर आएगा हमारे पास हमेशा एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो 2 × 3 होता है 6, तो आंसर कितना आएगा 6। इसका ही अगर से हमने रिवर्स ऑर्डर में दूसरा करते हैं फॉर एग्जांपल 3 − 3 + 3 × −4, इसका जो आंसर आएगा ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के साथ जो आंसर आता है वो हमेशा नेगेटिव आता है। तो 4 × 3 = 12, तो आंसर हमारे पास आएगा -12। अब हमारे पास ये 2 हो गए। अब हम तीसरा पढ़ने हैं, मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे डिवीज़न। अब डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न में दो पॉजिटिव टर्म रहे थे,
दोनों पॉजिटिव टर्म रहेगी या फिर दोनों की निगेटिव टर्म रहेगी। दोनों भी पॉजिटिव टर्म कैसा रह सकती है वो देखिए, जैसे प्लस हमारे पास है प्लस टू, प्लस टू को हमने डिवाइड किए प्लस टू, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, दोनों भी अगर से पॉजिटिव टर्म है तो, या फिर दोनों भी अगर से निगेटिव टर्म निगेटिव सिंबल हो या फिर दोनों भी पॉजिटिव सिंबल हो, तो इसका जो आंसर हमेशा आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। जब दोनों भी सिंबल अगर से सेम हो तो प्लस टू के कैंसल आंसर हमारे पास आएगा ओनली वन। अगर से उसी की जगह पे प्लस टू ना होते हुए हमारे पास रहता माइनस टू रहता, फॉर एग्जांपल माइनस टू रहता, ऊपर भी माइनस टू नीचे भी माइनस टू, तो दोनों भी कैंसिल होकर तो आंसर हमारे पास आता था आंसर पॉजिटिव। हमेशा ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले नंबर में और नीचे वाले नंबर में अगर से हमारे पास सिंबल सेम रहा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और अगर से सिंबल डिफरेंट रहा, सिंबल यहाँ पे एक पॉजिटिव सिंबल एक नेगेटिव सिंबल है, तो यहाँ पर सिंबल अगर से डिफरेंट रहा डिवीज़न में तो आंसर हमेशा हमारे को नेगेटिव मिलेगा, आंसर हमेशा नेगेटिव मिलेगा, इस बात का ख्याल रखें। अब हम उसी बेस के ऊपर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास -8 +13 +28 -35, इसका आंसर क्या होगा, तो हम सबसे पहले इसको लिख लेंगे, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा उसका, तो सबसे पहले लिख लेंगे हम इसको -8 +13 +28 -35। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर है 13, तो सिंबल क्या आएगा प्लस वाला सिंबल आएगा, प्लस वाले सिंबल, तो 13 में से 8 गए, बचते कितने 5 बचते, तो हमारे पास 5 बचे हैं। अब इधर देख लो, इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे बड़ा नंबर 35, तो 35 का जो सिंबल है माइनस है, तो 35 और 28 इसमें से 35 में से 28 गए, तो कितना बचता हमारे पास 7 बचता, तो आंसर कितना है 7 प्लस 5 माइनस 7। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 7 बड़ा है तो उसका सिंबल लगेगा माइनस का, तो 7 में से 5 गए तो कितना बचता है 2 बचता है, तो आंसर हमारे पास 2 रहे माइनस 2। उसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है -85 +135 -92 +37। अब हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में सबसे बड़ा जो नंबर है उसका सिंबल लगा देंगे, इन दोनों में सबसे बड़ा जो भी नंबर है वो है 135, तो उसका सिंबल लग गया पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, 5 में से 5 गए कितना बचेगा 0, अब 13 में से 8 गए तो कितना बचेगा 5, तो ये बचा 50। अब इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर है वो है 92, तो ये इसका लगेगा माइनस सिंबल। अब देखेंगे हम 92 में से 37 गए, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, 92 में से 7 गया तो यहाँ पे बचेगा 5, 12 में से 5 गए तो 12 में से 7 गए तो 5 बचते, और यहाँ पे बचेंगे 8 में से 3 गए तो बचते 5, तो आंसर हमारे पास +50 -55, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर -55 है तो माइनस सिंबल लगेगा, तो 55 में से 50 गए तो बचता हमारे पास 5, तो आंसर हमारे पास आएगा -5, ये हमारा आंसर सही रहेगा। उसके बाद न्यू क्वेश्चन देखेंगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में हम इन दोनों में से देखेंगे, अब यहाँ पे 27 और -38 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है -38, तो सिंबल लगेगा माइनस का, 27 में से 38 में से 27 में तो बचेगा हमारे पास 11, अब इस इन दोनों में से देखेंगे सेकंड जो टर्म्स है हमारे पास उसमें से देखेंगे, दोनों में सबसे बड़ा नंबर है 48, तो पॉजिटिव सिंबल लगेगा, 48 में से 41 गए तो 48 में से 41 गए तो बचता 7। अब इन दोनों देखेंगे, ये आगे के दोनों टर्म्स में 60 बड़ा नंबर तो निगेटिव सिंबल लगेगा 60, और में से गया हमारे पास 17, तो हमारे पास आंसर आएगा वो 10 -7 3 एंड 5 -43 हमारे पास आंसर आएगा।
अब ये दो नंबर देखिए, हम इन दोनों में से बड़ा नंबर है 11, तो माइनस का सिंबल लगेगा। 11 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे, ये -4 और ये -43, -4 एंड -43, तो आंसर हमारे पास माइनस का 47, दिस इज आवर आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। -132 +201, तो इन दोनों को अगर से हम देखेंगे, हम इन दोनों की सबसे बड़ा नंबर 201 है जो पॉजिटिव सिंबल आएगा। अब 132 201 में से गया तो 11 में से एक गया तो कितना बचता है, 11 में से दो गया कितना बचता है 9, और 9 में से 3 गया कितना बचता है 6, एक में से गया पॉजिटिव 16 है। अब इन दोनों को देखिए, सबसे पहले लास्ट के दोनों को देखते हैं कि दोनों के सब पॉजिटिव सिंबल है, -67 ऐसे किस रहने देते हैं। 5 + 8 दोनों के सब पॉजिटिव सिंबल लगेगा, 5 + 8 13, 13 के 3 के लिए आया 1, 2 + 7 9, 9 + 1 10, 10 का 0 के लिए आया 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो 403 +69 -67, तो आंसर हमारे पास आया +2 +403, तो आंसर आएगा 405, दिस इज आवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 6 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले ओपन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सबसे छोटा ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे, ओपन ब्रैकेट से। ओपन ब्रैकेट में 27 में से 30 का, तो आंसर आएगा हमारे पास -3। -3 को बाहर निकालेंगे 27 के साथ, इसके साथ बाहर निकालेंगे, तो -(-) होता है प्लस, तो 27 + 3 हो जाएगा, 27 + 3 हमारे पास आंसर आएगा 30। इस पूरे का आंसर हमारे पास आ गया 30। अब इसको इरेज कर लेते हैं, अब 30 आ गया इस पूरे का आंसर। 30 को हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट से पहले माइनस है और उसके बाद -26 है, 30 को बाहर निकालेंगे तो आंसर आएगा -30 -26, -30 -26 विच इज इक्वल टू -56 होगा हमारे पास आंसर। ये हो गया -56, इस पूरे का क्लोज ब्रैकेट तक के हमारे पास आंसर आ गया -56। यहाँ पे लिख दिया हमने 24 माइनस और क्लोज ब्रैकेट -56, इसको इरेज कर देते। अब हम देखेंगे 24 एज इट इज, माइनस को बाहर निकालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो गया 56। 24 प्लस 56 तो 6 + 4 + 10 के लिए आया 1 5 3 8, तो आंसर आया हमारा 80 हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में से हमारे पास सबसे पहले नेगेटिव सिंबल आएगा, उसके बाद 97 144 114 में से माइनस होगा, तो 7 10 में इससे 9 होगा, तो अच्छा 17 हमारे पास इसका आंसर आएगा -17 के बाहर है एक माइनस सिंबल, फिर उसके बाद है +15, इसको बाहर निकालने 15 -(-) होता है +17, +15 + 17 विच इज इक्वल्स टू प्लस होता है 32। यानी इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आंसर आया है हमारे पास +32, इसको इरेज कर देते हैं, तो +32 ओपन ब्रैकेट में, और उससे पहले हमारे पास -98,
माइनस 98 प्लस 32 इसका आंसर आएगा 8 में से 2 गए 6, 9 में से 3 गए 6, और सिंबल हमेशा बड़े नंबर का इसमें माइनस 66 इतने को सॉल्व करे बता हमारे पास आंसर आ गया माइनस 66। इसको भी रेस कर देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 66 क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के बाहर हमारे पास है पॉजिटिव सिंबल और उसके बाहर है माइनस माइनस 225। तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, तो माइनस 66 माइनस 66 और माइनस 225 तो हमारे पास आंसर होगा दोनों भी निगेटिव। सबसे तो बड़ा नंबर है माइनस 5 और 6 11 11 का एक केरी आया 1, 6 और 2 8 और 8 और 1 9 और ये माइनस 2। तो आंसर हमारे पास माइनस 291 विच मीन्स सेकंड वाला हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब यहाँ पर लगेगा हमारे पास न्यू मेथड। यहाँ पर एक जगह एडिशन है और एक जगह हमारे पास है डिवीज़न। डिवीज़न तो यहाँ पर लगेगा हमारे को बॉड मास रूल। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा इस क्वेश्चन पर जाने से पहले बॉड मास रूल होता होगा, हम बॉड मास रूल सीखेंगे। तो बॉड मास रूल बी ओ डी एम ए एस, बॉड मास रूल बी से आता है हमारे पास ब्रैकेट, ओ से आता है हमारे पास ऑफ, डी से आता है हमारे पास डिवीजन, एम से आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, ए से आता है हमारे पास एडिशन और एस से आता है हमारे पास लास्ट सब्सट्रैक्शन। अब ये जो बॉर्ड मास लिखा हुआ है ना, इसी ऑर्डर में हम जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रहे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस रहते हैं, वो इसी का इसी सीक्वेंस से सॉल्व करते हैं। अब हम देखें हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमारे पास है 43 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 16। तो सबसे पहले आएगा ब्रैकेट, इसमें है नहीं और है नहीं, इसमें डिवीज़न है। तो सबसे पहले डिवीज़न सॉल्व करते हो, 128 डिवाइडेड बाय 16, तो 16 वन जस 16 16 8 128। तो ये जाएगा 43 प्लस 8, 43 प्लस 8 हमारे पास आंसर आएगा 51। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय